कोई तुमको उठाकर ले जाए तो तुम उसे पति मान लोगी? पसंद का क्या पूछते हो मास्टर बाबू, यहाँ से सब ऐसे ही करते हैं। विधवा के खून में इतनी गर्मी, उका भूल गई कि उके मर्द को हम ही जिंदा गाड़ देते जमीन में। लग गया निशाना। बस ई का मतबल प्यार होता है। बुधराम तड़प रहा है साला, अब गांव वालों को पता चलेगा कि हमरी बात ना मानने का क्या इंजाम होता है। गांव वालों ने मिलकर शनिचरी काकी को जिंदा जला दिया। तूने अपनी आंखों से देखा था? नहीं, पर मैना ने देखा। तोता मैना की कहानी बाद में तूने देखा था या नहीं? पहले ही कहा था कि मुखिया के साथ दारोगा की साठगांठ है। यही तो मुश्किल है, गांव वाले पुलिस में गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं है। नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर करने की हिम्मत कौन करेगा मास्टर बाबू? हमें तो डर है मास्टर बाबू, अब मुखिया, ओझा और बेईमान दारोगा के आपको मारने की साजिश में न जुटे हो। मंगरा ठीक कह रहा है मास्टर बाबू, आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए बस। पढ़ाई से क्या मतलब? शिक्षा खाली क ख ग घ नहीं होती। शिक्षा का अर्थ तो तब निकलता है जब ये सब अक्षर जुड़कर नई सोच पैदा करते हैं। इंसान की पहचान उसकी सोच से होती है। 50 साल हो गए मुझे, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। आज भी ओझा लोग डायन के नाम पर मासूम औरतों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर घातक वार कर रहे हैं, और हम खून के घूंट पीकर ये सब सहते जा रहे हैं। सच कहते हो रामू काका, बिल्कुल सच कहते हो। शंकर, तेरे निर्दोष बीवी और बच्चे के साथ क्या हुआ था? शनिचरी के साथ क्या हुआ था? और कल दोबारा किसी के साथ भी हो सकता है? अरे कब तक सहते रहोगे तुम लोग? जीत उसी की होती है जो रोशनी की तरफ बढ़ता है। तब तक इस अंधेरे के दलदल में यूं ही तड़पते रहोगे तुम लोग? आप ठीक कह रहे हैं मास्टर बाबू, लेकिन हम लोग इतने कम हैं कि कम? अरे रामू काका, ये कम क्या होता है? अगर हम लोग कुछ अच्छा करने की ठान लेना तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये हाथ है ना, इसकी ये 5 उंगली है, अलग अलग कमजोर और असहाय, और अब यह बन गया मुक्का। अब इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। ऐसे ही हम सबको इकट्ठे होना है, समझे आप लोग? समझ गए, ठीक 5 पांडवों की तरह। हम तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। आज महादेव अति प्रसन्न होंगे। मास्टर बाबू, हम चलते हैं। नमस्कार मास्टर बाबू, आज मैं बहुत खुश हूं। शनिचरी नाम की औरत को इसलिए जला दिया गया था क्योंकि गांव के ओझा ने गांव वालों को यकीन दिला दिया था कि वो एक डायन है। मैना कुछ बोल ना मैना, वो हर एक जिंदा लाश की तरह बैठी। देख देख, रामू काका और मौसी ने भी
पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैना, हम तुमसे बात कर रहे हैं। मैना कुछ बोल ना, मैना ना तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मैना बोल ना। शिक्षक कैसी हो? तुम्हारी माँ हमारी सहेली थी। शिक्षा से हमें जानकारी मिलती है। शादी से पहले हम लोग एक बार शहर गए थे। साक्षरता एक हुनर है। वहाँ रास्ता ही भूल गए थे। सही शिक्षा हमें अपने पैरों पर खड़ा करती है। सही शिक्षा हमें अपने पैरों पर खड़ा करती है। वो तो बहुत डर गई थी। आज के जमाने में शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। ऐसे तो तू सूख सूख कर कांटा हो जाएगी। खा ले बेटी, खा ले। मैंने बेटी खा ले। तो दिन रात पढ़ाई में ऐसे जुटी रहती है जैसे तू नहीं बनना हो बड़ी मास्टर। तुझे एक कविता सुनाऊं? कविता? सखीरी अपना रही अनारी, पढ़ना लिखना सीख गई, गिनती सीखी, मात्रा सीखी, अक्षर भी पहचान गई। पगली गई की। चल माँ, तुझे अपने नाम का फोटो बना के दिखाऊं? फोटो बड़ी की दो मात्रा न और आ की मात्रा मैना। ये तेरा नाम है? चल रोटी खा।
चीका ढूंढ रही है। माँ की हड्डियां, हड्डियां, लेकिन काहे? माँ की हड्डियों से ही तो साधना करेगी, तू को लेकर अमावस्या की रात में पूजा करेगी, फिर अपने तंत्र मंत्र से हम सबसे बदला लेगी। लेकिन बोल रही है, बोल बोल कुछ नहीं रही है, इस ससरी पगला गई। ये सब नाटक है, पागल पागल कुछ नहीं है। कोई गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर ये गांव के बाहर भी अमावस की रात को पूजा करके हम सबको सत्यानाश कर देगी तो उनका काट भी है हमारे पास। तो जाओ गांव वालों को इकट्ठा कर लो। चलो जब तक इन लोगों में डर पैदा ना हो, ये काबू कहां आते हैं? मास्टर बाबू खाना लगा दिया। मुझे भूख नहीं है मंगला। कौन है वहां? राज भैया मास्टर बाबू को मुखिया के लोगों ने छिपकर जहर का तीर मारा। अब जल्दी पुष्पा नर्सिंग होम आ जाइए। हाँ, मैं मास्टर बाबू के पास जल्दी आ जाइए। कहीं लागू मालिक? मारा के नहीं मरा मालिक? मास्टर तो लापता है, करू तीर में तो 5 लोगों को मारने की जहर। तो फिर लापता कैसे? काऊ की लाश हवा हो गई। भजा कहीं का थार फूक के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं आता।
आकाश शुक्र है भगवान का कि जहर नहीं फैला। शुक्रिया तो हमें मंगरा का अदा करना चाहिए जिसने वक्त रहते ही प्रकाश को अस्पताल में दाखिल कर दिया और मुझे इन्फॉर्म कर दिया। शुक्रिया मंगरा। शुक्रिया मंगरा। क्या जरूरत थी मुसीबत मांगने की? मालूम है अंकल आंटी को कितना सदमा पहुंचा है? यार तू मेरा दोस्त वगैरह ऐसी बातें कर रहा है और वो भी एक जाना माना संपादक होते प्रकाश जरा सोच ये गांव वालों की मेंटालिटी उनका पिछड़ापन उनका अंधविश्वास उनके दिलो दिमाग में एक मोटी और गहरी जड़ की तरह बैठा कैसे एक झटके से उखाड़ फेंकना संभव है। अब तू क्या चाहता है मैं एक तीर लग जाने से कायरों की तरह चुप होकर बैठ जाऊं? मैं तो समझता था कि तू शायद मुझे एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट समझता। मैं शायद गलत समझता था पर यार तू तो वो तीर चला रहा है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं। I'm sorry. मैं एक एडिटर नहीं एक दोस्त के नाते भावुक होता। मैं मानता हूँ यार अशिक्षा अंधविश्वास डायन परंपरा ये ऐसी बुराइयां जिन्हें एक झटके में उखाड़ कर फेंकना मुमकिन नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक चिंगारी तो सुलगाई दूं जो धीरे धीरे ही सही लेकिन इन सबको जलाकर राख कर दे। अरे माँ मास्टर बाबू सामान गाड़ी में रख दिया है। हाँ ठीक है अपना ख्याल रखना बेटे हमें तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। माँ इसमें फिक्र करने की क्या बात है और फिर मैं अकेला थोड़ी हूँ अर्जुन है ना मेरे साथ और वो क्या कहते हैं एक और एक पूरे ग्यारह। हाँ अधूरे नहीं। चलिए श्री कृष्ण जी आपका अर्जुन तैयार है। देखा चलो अर्जुन। बाय आंटी। बाय अंकल। रामू काका। अच्छा बाबू आप। अरे रामू काका ये क्या हाल बना रखे? भगवान की कृपा है आप बाल बाल बच गए। बैठिए मास्टर बाबू बैठिए। अब कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत तो ठीक है रामू काका पर ये सर पर चोट ये दाढ़ी क्या बात है? कुछ नहीं
ऐसे ही ऐसे ही आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए ना क्या बात है। काका मैं ना कहा है? कल्लू उसे उठाकर काका बताइए ना क्या बात है। बस के बाबू, हमने उनको बचाने की बहुत कोशिश की पर गांव वालों ने हमारी मैना पीटी आगा। आके मरने के बाद वैसे भी दुख से पागलों की तरह भटकती फिरती है। पागल इज्जत होंगे और क्या, पागल बनकर हम सबको मारने की तैयारी कर रही है। अरे हम गोदू का हत्या चुनते देखे हैं। भगवान से डर, इतना पाप मत कर, मत कर इतना पाप। चलो रुक जा, डैन को तो गांव से बाहर निकालना होगा। तो गांव वाले निकालो ताली का बाहर, चलो निकालो ताली को बाहर। मार सकते क्या? जाके जब भाग भाग को पकड़ो। अब तो तेरा मास्टर भी नहीं है मैना। बोल बोल तो कहाँ जाए, बोलता है ना तू कहाँ जाए। अभी यहां से जंगल शुरू होता है और अभी का ग्रह भी काटना है। तुम लोग वापस जाओ और अमी को खत्म करके आते हैं। इका मारना जरूर, जान से मार दो। हाँ जरूर जाओ। Ha, 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 ha.
को एक बार डायन कर दिया, उसे गांव वालों ने कभी जिंदा छोड़ा है का? हमें तो ये भी पता नहीं कि गांव के किस छोर पर जाकर मारा है मैना को। ओशा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल ओशा। मास्टर बाबू बाहर से कुंडा लगा है, दरवाजा खोलिए मास्टर बाबू। राजू, मास्टर बाबू अमुका का शुक्र है आप आ गए, जल्दी से यहाँ से निकल चलिए। चलिए चलिए चलिए।